नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी के वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीएम मोदी शाम को लगभग 5:45 पर ही एनसीसी कैडेटों को संबोधित करेंगे और इस साल ही एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है और इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एनसीसी के 75 सफल सालों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और ₹75 मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे और रैली का मिश्रित दिन और रात कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जाएगी और साथ ही इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होगा और वसुदेव इसके साथ ही आपको बता दें कि कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के साथ 19 विदेशों और देशों के 196 अधिकारियों और इसके साथ ही कैंडिडेटों को भी समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएमओ ने अपनी विज्ञप्ति में बताया है कि इस रैली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। मालूम हो कि पीएम मोदी ने ही बुधवार को नेशनल कैडेट कोर के ही कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के ही सभी सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप युवा हैं, ये आपके लिए भविष्य बनाने का समय है। आप नए विचारों और नए मानकों के निर्माता हैं। आप नए भारत के अग्रदूत हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर ही बढ़ते विवाद के बीच अब केरल में कांग्रेस ने इसकी स्क्रीनिंग की है। केरल कांग्रेस की ओर से ये डॉक्यूमेंट्री राजधानी तिरुवनंतपुरम के ही सांगुमुखम के बीच पर दिखाई गई है और पीएम मोदी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव जीएस बाबू ने कहा है कि हमने इस बारे में पहले ही फैसला कर लिया था कि डॉक्यूमेंट्री को पहली बार केपीसीसी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिखाया गया और उसके बाद गुरुवार को एक बीच पर ही आम जनता के लिए उसकी स्क्रीनिंग की गई और कांग्रेस नेता जीएस बाबू ने आगे ये भी कहा कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के ही हमें आम जनता से पॉलिटिक्स को लेकर भी इसको बात कही गई है और इसके साथ ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है और इसे बहुत सारे लोग देखने आए हैं और हम इस पूरे राज्य में कई स्थानों पर दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग यहाँ जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री में ही क्या है और यह किस बारे में है। बता दें आपको कि केरल कांग्रेस ने दो पार्ट में बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाने का फैसला ऐसे समय में पर लिया जब पूर्व मुख्यमंत्री एके एटनी के ही बेटे अनिल एटनी के डॉक्यूमेंट्री के ही खिलाफ अपने ट्वीट को लेकर हुई आलोचनाओं के बाद पार्टी में अपनी सभी पदों से बुधवार को इस्तीफा दिया था और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही बाहर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की वर्दी पहने कुछ छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्र अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त ये धार्मिक नारे लगे उस समय वहाँ यूनिवर्सिटी के वीसी भी मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है और वायरल हुए वीडियो में एनसीसी की वर्दी पहने और उसका झंडा लिए हुए कुछ छात्र तिरंगे के नजदीक अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को कथित तौर पर गुरुवार को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एएमयू परिसर के बाहर शूट किया गया था और घटना के बाद ही अलीगढ़ के एसपी ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एएमयू को
प्रॉक्टर वसीम अली ने दावा किया है कि वहां एक लड़का नारा लगा रहा था जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके साथ ही उनके मुताबिक छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर नारेबाजी कर रहा था और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छात्र की शिनाख्त होने के बाद उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। वसीम अली ने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटी में सभी राष्ट्रीय त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सरकार को ढालपुर के ही गोरुखुटी के बेदखल किए गए 100 परिवारों के लिए फिर से बसाने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष देवव्रत सैकिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बता दें आपको कि ढालपुर के ही गोरुखुटी में साल 2021 में सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ही कार्रवाई की थी और हजारों बीघा कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटाया था और इस दौरान हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस दौरान ही करीब 700 परिवार विस्थापित हुए थे। इनमें से सरकार 600 परिवारों का पुनर्वास कर चुकी है और अब हाईकोर्ट ने बाकी बचे 100 परिवारों का भी पुनर्वास करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर कृषि फार्म स्थापित करें और कोर्ट ने कहा कि असम सरकार के वकील जे हांडिक ने बताया है कि करीब 700 परिवार प्रभावित हुए थे जिनमें से 600 परिवारों को बसाया जा चुका है, बाकी बचे 100 परिवारों को अभी तक पुनर्वास नहीं हो सका है और कोर्ट ने कहा है कि इन 100 परिवारों का भी जल्द पुनर्वास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी 100 परिवारों को दारंग के ही डिप्टी कमिश्नर के समक्ष आवेदन देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आवेदन मिलने के 6 महीने के भीतर ही डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई करनी होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट में एक यात्री को झूठी चेतावनी देना भारी पड़ गया है। यात्री ने झूठा ट्वीट किया कि दुबई से जयपुर जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। इसके बाद यात्री को जो सबक मिला है अब वो जिंदगी भर याद रखेगा। राजस्थान के नागौर निवासी मोती सिंह राठौड़ की दुबई और जयपुर फ्लाइट को खराब मौसम के कारण दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया था और DCP रवि कुमार सिंह ने बताया कि फ्लाइट सुबह 9:45 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी और फ्लाइट को दोपहर 1:40 पर उड़ान की मंजूरी दी गई और फ्लाइट को लेट होता देख राठौर ने ट्वीट कर दिया और फ्लाइट हाईजैक सोशल मीडिया पर फ्लाइट हाईजैक होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया, जबकि विमान एयरपोर्ट पर सुरक्षित खड़ा था। सूचना पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और यात्री को उसके बैग के साथ उतार दिया और इसके बाद ही आवश्यक जांच के बाद उड़ान को जाने दिया गया। पूछताछ के बाद उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर राठौर को गिरफ्तार कर लिया है और हाल के दिनों में फ्लाइट से परेशानी खड़ी करने वाली घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बीते साल नवंबर में ही एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक महिला पर पेशाब करने का मामला भी सामने आया था और आरोपी शंकर मिश्रा मुंबई निवासी बिजनेस को लेकर ही बिजनेस बताए जा रहे थे, बिजनेस मैन है वो, जिसे शिकायत के बाद ही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया था। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उसने बिजनेस क्लास में यात्रा कर रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के ऊपर नशे की हालत में पेशाब कर दिया था और इस मामले में एयर इंडिया के क्रू मेंबर पर भी सवाल उठाया गया था कि उन्होंने महिला की शिकायत पर सही तरीके से व्यवहार नहीं किया और इसे लेकर DGCA ने भी एयर इंडिया पर जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।